इस देश ने कोरोना वायरस के खतरनाक कहर का वो दौर भी देखा है जब हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। कहीं अस्पताल से निकलती लाशें तो कहीं शमशान में पड़ी लाशें। हालात तो ये हो गए थे कि लोग अपनों की लाशें लेने तक नहीं जा रहे थे। इस बुरे दौर से भारत किसी न किसी तरह से तो निकल गया, लेकिन अब लंपे वायरस ने भारत पर हमला बोल दिया है। ये वायरस राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में कोहराम मचा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि हजारों की संख्या में गायों की मौत हो रही है। एक बार लंपी वायरस की चपेट में आने से इन गायों की तड़प तड़प कर जान जा रही है, लेकिन सरकारों को लगता है गायों की मौत से कोई सरोकार ही नहीं है। तभी तो राजस्थान जैसे राज्य में जहां गाय की लाशों का अंबार लग रहा है, तो वहीं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत कन्याकुमारी में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकालने में जुटे हुए हैं। लंबी वायरस से देश के कई राज्यों में दहशत का माहौल है। कांग्रेस शासित राजस्थान में तो ये वायरस कहर बनकर टूट रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक यहाँ 2100 से ज्यादा गायों की इस वायरस की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 4 लाख से ज्यादा मवेशी इस वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, हकीकत तो राजस्थान से आई ये वीडियो बता रही है, जिसमें आप देख सकते हैं दूर दूर तक गौवंशों की लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। राजस्थान के जालौर, जोधपुर, पाली और बीकानेर में लंपी वायरस की वजह से हालात लगातार बेकार होते जा रहे हैं। खासकर बीकानेर में तो हालात ये हो गए हैं कि हर रोज सैकड़ों गायों की मौत हो रही है, जिन्हें दफनाए जाने की बजाय खुले में फेंका जा रहा है। वैसे तो बीकानेर का जोड़बीड़ इलाका जानवरों के डंपिंग यार्ड के लिए चिन्हित किया गया है, जहां पहले भी मरे ऊंटों और जानवरों को गिद्धों के लिए डाल दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार जानवरों की संख्या अधिक है। इससे यहाँ चारों ओर गौवंश की लाशें फैल गई हैं और गिद्धों की संख्या फिलहाल यहाँ कम होने से शव सड़ रहे हैं। बदबू भी ऐसी कि आसपास के रिहायशी गांवों में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि खुले में पड़े गौवंश की लाशें देखकर लग रहा है जैसे धरती माँ की गोद में पड़ी ये लाशें मौन चीत्कार कर रही हैं और कह रही हैं कि हमें बचा लो। ये बात तो आप भी जानते हैं, सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि देश भर में लंपी वायरस से हो रही गौवंशों की मौतों से अब काशी के संत समाज का गुस्सा भी भड़क गया है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती तो राजस्थान में गायों की मौत पर इस कदर खफा है कि उन्होंने कांग्रेस को श्राप दे दिया है कि सत्ता वंश का समूल नाश हो जाएगा। राजस्थान के अंदर लंपी नाम के रोग से गायों की अकाल मृत्यु एक बहुत ही भयावह दृश्य है, और उससे भी भयावह यह है कि पूरे राज्य में हजारों गायों की लाश पड़ी हुई है। बीकानेर अटापटा पड़ा है। उस परिस्थिति में राज्य के हालात को संभालने की अपेक्षा वहां का मुख्यमंत्री केरल की यात्रा पर है और उस तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा को झंडी दिखा रहा है कि जिसे उसके नेता राहुल गांधी भारत को राष्ट्र मानने को ही नहीं तैयार हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि किसी जमाने में इंदिरा गांधी ने जब गो भक्तों पर लाठियां चलवाई थी, सत्ता की चूल्हे हिल गई, और आज मैं पुनः कहता हूँ कि इन गायों की लाश इस कांग्रेस को चैन से जीने नहीं देगी और कांग्रेस के सत्ता वंश का समूल नाश हो जाएगा। आइए अशोक गहलोत जी, राजस्थान में लाशें अपने अंतिम क्रिया के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। राजस्थान में जहां गायों की मौत हो रही है, तो वहीं ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए तमिलनाडु गए हुए हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां संत समाज कांग्रेस को श्राप दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लंपी वायरस से हो रही गौवंशों की मौत पर चिंता जताते हुए राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राज्य की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है
जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर और सिरोही सहित राजस्थान के सभी जिलों में गायों और बाकी जानवरों में लंपी चर्म रोग का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे लाखों गायों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से अधिक गौवंश संक्रमित हैं। ऐसे में राज्य सरकार के स्तर पर लंपी संक्रमण को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना की जरूरत है, लेकिन सरकार ने गायों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। बीजेपी जहां कांग्रेस सरकार पर गायों को भगवान भरोसे छोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने इस वायरस से निपटने के लिए अतिरिक्त दवा और टीकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। लंपी वायरस के लक्षण की बात करें तो इस खतरनाक वायरस की चपेट में आए गौवंशों के नाक और मुंह से पानी और लार गिरने लगती है, तेज बुखार होता है और ऐसे जानवर भोजन छोड़ देते हैं। ऐसे पशुओं की चमड़ी के नीचे पहले छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ये दाने घाव में बदल जाते हैं। ये अधिकतर मवेशियों के मुंह, गर्दन और गुप्तांग के पास पाए जाते हैं। ऐसे लक्षण पाए जाने पर तुरंत पास के पशु चिकित्सालय जाकर डॉक्टरों को खबर दें और कुछ एहतियात भी बरतें, जैसे संक्रमित गाय को स्वस्थ गायों से अलग रखें, संक्रमित गायों की आवाजाही को प्रतिबंधित करें, संक्रमित गायों को हमेशा साफ पानी ही दें, संक्रमित गायों का दूध भी उबाल कर पिएं, मच्छरों, मक्खियों, घुंड से बचाने के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल करें, गौशाला में फिनाइल या सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव करें, मृत गौवंश के संपर्क में रही वस्तुओं, स्थान को फिनाइल या लाल दवा से कीटाणु रहित करें, संक्रमित गौवंश के शवों को गांव के बाहर करीब 1.5 मीटर गड्ढे में चूने या नमक के साथ दबा दें। एक तरफ जहां लंपी वायरस गौवंशों पर कहर बनकर टूट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सिंह राजपुरोहित जैसे लोग भी इस खतरनाक वायरस से गौवंशों को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि इस बीमारी से निपटने के लिए हर गांव के हर परिवार को जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी कुछ गायों को बचाया जा सकेगा। नमस्कार भाइयों, जय गो माता, जय गोपाल। लंपी के कारण इतनी हालत खराब है, मेरे पास आज से 10-15 दिन पहले जो फोन आते थे कि दवाई चाहिए, ये चाहिए, पिछले 2-3 दिनों से ऐसे फ़ोन आते हैं कि हमारे गोमाता के शहर के अंदर तो मर गई है, तो उसको उठाने के लिए कैसे व्यवस्था होगी, किसको फ़ोन करें या क्या सुविधा करें। तो इन बातों से आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा हालात ख़राब है इस बीमारी से। इस बीमारी के लिए हर गांव के हर परिवार को एक गाय की जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी कुछ गाय बचा पाएंगे। सरकारी आंकड़े 6-7 हज़ार गायों के आते हैं, पर लाखों गोवंश मर चुका है और किस हालत में मरा है वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। उस हालत में मरा है, तड़पते हुए मरा है। आप जब खाना नहीं खा पाता है, खुले में पड़ा हुआ है, घर पे सेवा करने वाले, मैंने जहाँ तक देखा, मतलब 4 गाय थी उनमें से 3 मर गई, किसी की 2 गाय थी दोनों मर गई, 1 गाय थी एक मर गई, ये घर की हालत है। तो खुले में घूमने वाले गायों की क्या हालत है, ये आप कोई सोच भी नहीं सकते। उतनी ज़्यादा विकट हालत अभी राजस्थान के इन क्षेत्रों में। बाड़मेर में थोड़ी सी कमी हुई तो आज पाली जिले के अंदर, जालौर, सिरोही में, सब जगह, मतलब रोडों पर आपको। और सबसे बड़ी विडंबना, अखबार जब पढ़ता हूँ तो दुख ये होता है कि लिखा आता है कि पशुओं के मरने से सड़ांध उत्पन्न होती है, उस सड़ांध के कारण लोग परेशान हैं। ये नहीं लिखा आता कि गाय मर रही है। जब सरकारी सिस्टम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने टीके बना दिए। शर्म, या मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वो खत्म हो चुकी है। अब क्या प्रयोग करें और क्या नहीं करें, कोई समझ की बात ही नहीं। डेयरी एग्री कंसल्टेंट भारत सिंह राजपुरोहित लंपी वायरस से हो रही गायों की मौत से इस कदर दुखी हैं कि सरकार और सिस्टम से हारने के बाद अब लोगों से अपील करने लगे हैं कि वो आगे आए और गौवंशों को बचाने में मदद करें, नहीं तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। हर कोई लिपापोती में लगा है, हर कोई इसमें लगा है कि बस कैसे भी करके इस सिस्टम से या इस परेशानी से अपने आप को दूर रखें। अब जिम्मेदारी मेरे साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जो भी मुझे समझते हैं, आप सबको लेनी होगी, और अपने अपने गांव की लेनी होगी, अपनी अपनी जगह की लेनी होगी। अपने यहाँ पे आप गाय को संभालिए। जहाँ तक मैंने देखा है, गाय की अगर भूख नहीं मरती है, गाय को अगर बुखार टूट जाता है तो उसकी बचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप बुखार टूटने की टैबलेट यूज़ कर सकते हो, आयुर्वेदिक काढ़ों के अंदर आप हल्दी को ज़्यादा उपयोग कर सकते हो, और अगर गाय घ्यावन नहीं है तो काली मिर्च और इस तरह के जो गर्म है वो भी चीज़ें उपयोग कर सकते हो, घी के साथ दो। गाय को एकदम बच्चे की तरह ध्यान रख के आप कोशिश करिए तो कुछ गाय बच जाएगी। अगर आपके कारण एक भी गाय बच जाती है तो उससे बड़ा पुण्य आप इसी के लिए कोई होगा नहीं। इस काम पे लग जाओ दोस्तों, क्योंकि अब हमने कोशिश कर ली, सब जगह जाके हाथ जोड़ के मिल के, ना तो सरकारी सिस्टम को फ़र्क पड़ रहा है, ना बड़े बड़े जो लोग कहते हैं अपने आप को, उनको फ़र्क पड़ रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जिम्मेदारी तो अब आपको और हमको सबको उठानी पड़ेगी, और काम पर लग जाओ।
दिन रात लग जाओ, जितनी गाय बचा सको वो बचाओ। राजस्थान के अलावा हरियाणा में भी संक्रमित गायों की संख्या 50,000 के पार हो चुकी है। यहाँ के कई जिलों में रोजाना सैकड़ों गायों की मौत दर्ज की जा रही है। गुजरात के 14 जिलों में ये बीमारी कहर बनकर टूट रही है। वहीं पंजाब और मध्य प्रदेश में इस वायरस की काफी मार पड़ी है, जो बता रहा है कि ये खतरनाक लंपी वायरस देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में तमाम राज्यों के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं।